नमस्कार किसान भाइयों, आज के समय में सभी किसान अपने घर बैठे कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को किस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए इसके बारे में किसानों को बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन ज्यादातर किसान ऐसे भी हैं जो पशुपालन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और वे अपने पशुपालन में बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो लेकिन उन किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि आज के समय में अगर पशुपालन के तौर पर अगर बकरी फार्मिंग की अपन शुरुआत करते हैं तो सरकार आज सभी किसान भाइयों को 3 लाख से 5 लाख रुपए का लोन बकरी पालन के लिए दे रही है। अगर किसान साथियों आपको पता था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको किस प्रकार बकरी पालन के लिए सरकार 3 लाख से 5 लाख रुपए का लोन दे रही है और ये लोन कितना सस्ता है और कौन से किसान इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं और लोन की ब्याज दर क्या रहेगी। इन तीनों पॉइंटों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण किसान हैं और ग्रामीण किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने खुद के पैसों से कोई भी प्रकार के बिजनेस, यानी या पशुपालन हो या अन्य कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, जिसकी शुरुआत कर सके। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से बकरी पालन व्यवसाय के लिए पशुपालन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, सुअर, मुर्गी जैसे पशुओं का पशुपालन आप किसान भाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का लोन बकरी पालन के लिए दिया जा रहा है। इस बकरी पालन में मिनिमम शर्त रखी गई है, सरकार ने बताया है कि 20 बकरी और एक बकरा जिस किसान के पास होगा तो उस किसान को कम से कम 3 लाख रुपए का लोन और अधिकतम 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। अब आपको बता दें, 3 लाख रुपए लोन के लिए कम से कम आपको 20 बकरी और एक बकरे की आवश्यकता होगी। वहीं जैसे जैसे आप बकरियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट अगर आप 40 बकरी और 2 बकरों पर लोन लेते हैं तो सरकार आपको 5 लाख रुपए का लोन आसानी से प्रदान करेगी। और इस बकरी पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये कार्ड आपकी ब्याज दर होती है, जो लोन की ब्याज दर होती है उसको कम करने में बहुत ही बहुत उपयोगी है। अब आपको कैसे उपयोगी है, क्योंकि सरकार ने जो भी निश्चित अमाउंट पर जो ब्याज दर दी जाती है, जैसे मान लीजिए आप सामान्य तौर पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सरकार आपको 7% ब्याज की दर से वापिस लेती है, यानी ब्याज दर 7% लगाती है। वहीं किसान के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 3% की छूट दी जाती है, यानी आपको केवल 4% के ही ब्याज दर पर आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इस प्रकार आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3% की ब्याज दर में भी छूट ले सकते हैं और जो किसान समय पर ब्याज दर की भुगतान करेगा तो उस किसान को आर्थिक सब्सिडी भी अलग से दी जाती है। तो ये किसान साथियों, सरकार ने किसानों के लिए विशेष मौका दिया है, किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और इस कार्ड के माध्यम से केवल पशुओं पर आप मात्र 4% ब्याज पर आसानी से लोन ले सकते हैं। और सरकार ने बताया है कि 3 लाख रुपए का लोन उसी किसान को दी जाएगी जिस किसान के पास कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन होगी। और आधा हेक्टेयर जमीन इसलिए चाहिए किसान साथियों कि बकरी पालन के लिए किसान किसी भी जमीन पर आपको बकरी फार्मिंग खोलना होगा तो उस बकरी फार्मिंग खोलने के लिए किसान के पास खुद की जमीन होगी तो बकरी पालन व्यवसाय में बचत भी ज्यादा होगी, क्योंकि किराए की जमीन पर कोई भी किसान कोई भी प्रकार का बिजनेस करता है तो उसमें लागत ज्यादा होती है। क्योंकि किसान साथियों, आजकल सामान्य तौर पर अगर आप बकरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं और जमीन आप किराए पर लेते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपया आपको आसानी से उस किसान को देना होगा जिस किसान की आपके पास जमीन है। तो इसलिए आपको आधा हेक्टेयर की जमीन होना जरूरी है ताकि बकरी पालन के लिए उनका रख रखाव, उनकी घुमाने फिराने की जगह भी होना जरूरी है। इसलिए आधा हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, किसान की आयु 18 साल होनी चाहिए और उस किसान पर पहले से किसी भी बैंक का लोन बकाया नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें आवश्यक तौर पर रखी गई हैं और 3 शर्तें अगर कोई भी किसान पार करता है तो उस किसान को बकरी फार्मिंग के लिए, पशु लोन के लिए आसानी से सरकारी बैंक द्वारा, नाबार्ड बैंक द्वारा लोन मिल जाता है। अब आपको पता होना ये जरूरी है कि कौन कौन से राज्यों में बकरी पालन के लिए लोन दिया जा रहा है। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के किसानों के लिए अभी वर्तमान में ये योजना चलाई जा रही है। कोई भी नजदीकी बैंक शाखा जाइए, वहां से आप बकरी फार्मिंग के लिए लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। के अलावा अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो किसान साथियों नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आप उस कमेंट बॉक्स में हमें चैट करके पूछ सकते हैं। अगर सुझाव या जानकारी या कमेंट के माध्यम से नहीं मिलेगी तो अगले नए वीडियो में आपको पूरी जानकारी दोबारा से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।